हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ राजमाता हॉस्पिटल एंड नोबल आई एफ अलीगढ़ ड्यूटी। आज मैं हम आपके लिए लेके आई हूँ बहुत बड़ा एंड बहुत एडवांस एंड मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन आर फील्ड, स्पेशली इन लैप्रोस्कोपी। उसे हम कहते हैं 3D सिस्टम। 3D मीन्स, अब तक जब भी हम लैप्रोस्कोपी करते थे, जो भी सर्जरी दूरबीन से करते थे, वो हमेशा 2D में देखती, जैसे हम वीडियो देखते हैं या फिर हम मूवी देखते थे पहले। अब जैसे 3D मूवी सिस्टम आया है, जिसमें कि हम गॉगल्स लगाते हैं और वो हमें थर्ड डायमेंशन, उनकी डेप्थ परसेप्शन भी होता है, वैसे ही सर्जरी को मोर इजी, मोर क्लियर और मोर सिंपल करने के लिए हम लोगों ने एक अदर डायमेंशन उसमें ऐड किया है। उसको हम 3D लैप्रोस्कोपी सिस्टम बोलते हैं। तो ये हम बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय योर लव एंड अफेक्शन एंड सपोर्ट हम लोग अलीगढ़ में लेके आए हैं, और शायद अलीगढ़ यूपी रीजन का ये वन ऑफ द अर्ली 3D सिस्टम है। अब कहते हैं ना, किसी चीज़ की कोई कॉस्ट नहीं होती, और जब हम अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम डिलीवर करके हमें बहुत अच्छा लगता है, पेशेंट की रिकवरी देख के और पेशेंट को सेकेंड डे छुट्टी करके और पेनलेस फीलिंग, तो वो एक अलग पैरामीटर है और अलग डायमेंशन है आपके सेटिस्फेक्शन का। इसके लिए ही हम अलीगढ़ में 3D सिस्टम लैप्रोस्कोपी का लेके आए हैं। अब इसका क्या क्या, इसकी 3D कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है? वैसे तो जब हम सर्जरी करते हैं तो लगभग सारी सर्जरीज अब 3D सिस्टम में कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लियर है, चीज़ें इजी हो पा रही हैं, और जब चीज़ दिख रही है तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी और उसके सब पता है, और इतने साल से हम काम कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि ये चीज़ यहाँ है, ये यहाँ है, ये इससे इसका रिलेशन ऐसे है। लेकिन कभी जब स्पेशली जैसे प्रीवियस 2-3-4 ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं और हमें अब बच्चेदानी निकलवाने की नौबत आ रही है, या फिर रसौलियाँ, फाइब्रॉयड जिसे बोलते हैं, वो हैं, वो हमें निकालने हैं और अभी हमें बच्चेदानी प्रिजर्व करनी है, बच्चे चाहिए, या फिर एंडोमेट्रियोमा जैसे ओवरियन सिस्ट बोलते हैं, जैसे ओवरी में बड़ा सिस्ट है तो उसको, या एक प्रॉब्लम अभी जो लेटेस्ट और बहुत ज़्यादा है, एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस मीन्स हिमरेजिक और ब्लड फिल्ड सिस्ट इन ओवरी, और एडिनोमायोसिस इज द फोकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्राइन वॉल, यूट्रस की दीवार का नीचा पड़ना। फाइब्रॉइड होता है कि वो अलग से एक कैप्सूल के साथ वॉल में रहता है। एडिनोमायोसिस वॉल की ही ग्रोथ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज पेन। पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट को प्रेगनेंसी होने में, कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड के टाइम बहुत पेन हो रहा है, इंटरकोर्स के टाइम बहुत पेन हो रहा है, तो ये सब एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस के सिम्टम्स हैं। एंडोमेट्रियोसिस जब होता है ग्रेड 3 ग्रेड 4 का, तो उसमें पेशाब की थैली, यूट्रस प्लस यूरेटर जिसे पेशाब की नली अपन बोलते हैं, वो सब और प्लस आते हैं, सब चिपका हुआ होता है। उनको हमें अलग करने के लिए जब हम 3D हमारे पास होगा तो वो डिसेक्शन बहुत इजी होता है, और उतना ही हमारी सर्जरी सेफ और फ्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो हमें हमारे मोर सेटिस्फेक्शन, इजी सर्जरी, मोर मेटिकुलस एंड परफेक्ट सर्जरी, परफेक्ट रिकवरी, पेनलेस रिकवरी, और उस सबसे इम्पॉर्टेंट कि टाइमिंग। अगर हमारे लिए कोई कहेगा कि डॉक्टर्स के लिए क्या फ़ायदा है, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा टाइम कम हो गया है, और दिमाग पे और बॉडी पे जो स्ट्रेस रहता था वो स्ट्रेस कम हो गया है, तो अब बड़ी सर्जरी करके भी ऐसा नहीं लगता कि हम सर्जरी करके ओपीडी में बैठे। जैसे अभी मैं जो ऑपरेशन था, वो पहले 4 बच्चे ऑपरेशन से हुए थे, अब यूट्रस निकालना था तो ओपन करने में उन्हें भी डर था और हम लोग को भी थोड़ा सा था, बट विथ 3D वी जस्ट मैनेज इट एज जस्ट कि उसके 4 बच्चे नॉर्मल से हुए हैं, तो यूट्रस उस कंडीशन में होता है, डिसेक्शन, ब्लड डिसेक्शन और सब बहुत आराम से हुआ। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये चीज़ें हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई सर्जरी है, हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई डाउट है, तो आप क्लियर करने ज़रूर आए। राजमाता हॉस्पिटल, नोबल IVF, मथुरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, एंड आई एम डॉक्टर जया शर्मा, एट योर सर्विस। थैंक यू।